एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले में बिनोय बाबू को जमानत मिल गई है। पैरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी बिनोय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दे दी है। लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। 10 नवंबर 2022 को बिनोय बाबू की गिरफ्तारी हुई थी। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, शराब घोटाले में बिनोय बाबू को जमानत मिल चुकी है। पैरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी बिनोय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। 10 नवंबर 2022 को बिनोय बाबू की गिरफ्तारी हुई थी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले में बिनोय बाबू को जमानत मिल गई है। पैरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी बिनोय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दे दी है। लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। 10 नवंबर 2022 को बिनोय बाबू की गिरफ्तारी हुई थी। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, शराब घोटाले में बिनोय बाबू को जमानत मिल चुकी है। पैरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी बिनोय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। 10 नवंबर 2022 को बिनोय बाबू की गिरफ्तारी हुई थी।